अजब एमपी में गजब मामला फिर सामने आया है। मामला राजधानी का है, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे किसान मोतीलाल नेहरू कॉलेज के मैदान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो राज्य की शिवराज सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। तभी अचानक से सीएम शिवराज धरना स्थल पर पहुंच गए और सीधे मंच पर चढ़ गए। आपके बीच आया हूं क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच ना आए ये हो ही नहीं सकता। और इसे हमने तय किया, किसान भाई और बहनों की समस्याओं को समझना तो हमारा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ी है कि किसान यहां नारे लगाते रहे और मैं और कहीं निकल जाऊं। और इसलिए मैंने तय किया कि पहले मैं किसान बहनों भाइयों के बीच जाऊंगा और आपके बीच आ रहा हूं, तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने इस दौरान वहां मौजूद किसान नेताओं से उनकी मांगों की लिस्ट मांगी और एक एक कर उनको लेकर वादे करने लगे। मेरी एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आपको बता दें, ये प्रदर्शन भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किया जा रहा था, जिसमें किसान 18 मांगों को लेकर मैदान में डटे थे। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।